गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के सुहाने मौसम में आज हम निकले हैं फ़िशिंग के लिए एक ऐसी जगह जो कि एक कैनल है जो दो डैमों के बीच में बनाया गया है। ये तट्टीअरला डैम से बोमनल्ली डैम के बीच में वाटर सप्लाई करने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे जाने के लिए जो रोड है, ये रोड बहुत ही ऑसम है। तो इसीलिए हमने आज सोचा कि हमने आज का जो हमारा ब्लॉग है, ये राइडिंग और फिशिंग का कॉम्बो ब्लॉग आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, मैं वैजनाथ आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे जिसका नाम है राइड्स एंड फिशिंग एडवेंचर। तो चलिए दोस्तों, समय खराब ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये एडवेंचरस ब्लॉग। तो दोस्तों, यहाँ पे ये टनल जाके डैम से मिलता है, उस जगह पे एक नदी बनती है। टनल ख़त्म होने के बाद में एक छोटी सी नदी बनती है जहाँ पे फिशिंग के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझसे कहा था कि एक बार जाके वहाँ पे ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर फिश मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग आज सुबह सुबह निकले हुए हैं वहाँ पर जाने के लिए। और रोड के नज़ारे तो भाई क्या कहे, इतने ज़बरदस्त नज़ारे हैं बॉस। ये जो रास्ता जो निकलता है, ये पूरा डीप फॉरेस्ट से निकलता है और जंगल में से जब बाइक लेके हम जाते हैं तो इतना मज़ा आता है, क्या बताएं आपको। आसपास के नज़ारे और जो उसका जो एहसास होता है, जो फॉरेस्ट का जो एहसास होता है, और सोलो राइडिंग में सुबह सुबह का वक्त है तो थोड़ा सा डर भी लगता है, फिर भी मज़ा आता है राइडिंग में ऐसी जगह ऐसे समय पर। और कल रात को पिछले दो दिनों से दोस्तों बारिश का मौसम था और अब हमें लेना है यहाँ से एक छोटा सा ऑफ रोड से। हाँ तो दोस्तों, ये एक वो जो मेन रोड है, मेन रोड से कटने के बाद में एक छोटा सा ये गांव के लिए जाता है रोड। ये सीधे आगे जाके रोड डेड एंड है, एक दो तीन गांव के बाद में ये रोड डेड एंड हो जाता है। इसी रोड पे हमें एक करीब करीब 5-6 किलोमीटर जाना है, उसके बाद में आता है एक छोटा सा आउटर रोड, फिर वहाँ से सीधे सीधे हम जाएंगे कैनल के पास। दोस्तों, ये जो फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट में आपको हर तरह के जानवर मिल जाएंगे। ये एक रिजर्व फॉरेस्ट है और इस फॉरेस्ट में दोस्तों आपको जनरली ब्लैक पैंथर, लेपर्ड, एलिफेंट, बाइसन, डियर, रैट जैसे बहुत सारे जानवर हैं। जानवरों की लिस्ट ख़त्म नहीं होगी गिनाएंगे तो, लेकिन इतना मज़ा आता है। और अगर आप इन जंगलों में अगर राइड करना चाहते हैं, मतलब जंगल सफारी करना चाहते हैं, तो यहाँ की फॉरेस्ट, कर्नाटका स्टेट फॉरेस्ट की ऑफिशियल राइड भी है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। ये अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है, लेकिन जब नॉर्मल टाइम रहता है, जैसे ओपन टाइम्स रहता है, बाकी टाइम रहता है, उस समय पे मॉर्निंग 6 o'clock पर शुरू होती है और आफ्टरनून करीब 4 बजे शुरू होती है, लेकिन 2 बजे वहाँ पे जाना पड़ता है टिकट के लिए। यहाँ से अभी हमें ये ऑफ रोड लेना है, ये रोड जाता है सीधा कैनल से होते हुए खेतों के साइड से होते हुए। और ये आ गया हमारा कैनल।
दोस्तों सामने जो है ये मेन कैनल है, ये एक थोड़ा पैसेज ओपन है, एक दो तीन किलोमीटर पैसेज ओपन है, बाकी का पूरा अंडरग्राउंड में है। और यहाँ से ये जाता है बोमनाले डैम में, और ये वहाँ से यहाँ पे खेती के जो ट्रैफिक है, लोकल लोगों के घूमने के लिए एक छोटा सा पुल बनाया है। वैसे जैसे बड़ी गाड़ी होती है तो नीचे से पानी में से होके आना पड़ता है, बारिश में वहाँ से नहीं आ पाते। जब इसका पानी छोड़ा जाता है कैनल से तो यहाँ से आना मुमकिन नहीं होता है, तो कोई बड़ा गाड़ी, कोई फोर व्हीलर यहाँ से नहीं आ सकता है। और अभी हमको लगता है आपको बाइक यहीं लगाना होगा, क्योंकि हमें जाना पड़ेगा इसी रिवर में से होके। तो अब हम बाइक लेके जाएंगे पानी में से। तो बाइक हम यहीं लगाएंगे। दोस्तों जब आप ऐसी जगहों पे आते हैं तो आपकी गाड़ी में राइडिंग का मज़ा लेने के लिए पूरी तैयारी के साथ आना पड़ता है, जैसे पंचर किट वगैरह, क्योंकि यहाँ पे जंगल में आपको कोई पंचर शॉप नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये है वो टनल जो तट्टीहल्ला डैम से बोमनाले डैम को पानी सप्लाई करता है, और ऊपर जाने के लिए हमें वहाँ से कुछ दिखाई दे रहा है, वहीं से चढ़ते हैं। पानी तो उतना साफ नहीं है, फिर भी पानी अच्छा है। ये डैम से पानी आता है जिसकी वजह से ये साफ ही रहता है। और ये झंप लगाया, ये दूसरा झंप। हाँ पानी में से ही जाना पड़ेगा। ये दीवार शायद टूट के गिर गई है, और ये भी है उसी दीवार का हिस्सा जो हमें यहाँ ऊपर आने में मदद करेगा। यस, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। सिर्फ रिवर की तरफ ना जाए, क्योंकि रिवर में क्रोकोडाइल्स का खतरा ज़्यादा है। बोमनाले डैम एक ऐसा है काली रिवर में जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रोकोडाइल्स है। इवन ये कह सकते हैं कि बोमनाले डैम से गणेशगुडी डैम तक ही क्रोकोडाइल्स है, क्योंकि नीचे की तरफ में भी आफ्टर बोमनाले डैम भी आपको क्रोकोडाइल नहीं दिखते हैं, और बिफोर गणेशगुडी डैम भी आप गणेशगुडी डैम में भी आपको क्रोकोडाइल नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे जब आएंगे आप बोमनाले डैम के आसपास, अगर आप आएंगे तो प्लीज़ थोड़ा क्रोकोडाइल का ध्यान रखें। पानी के पास बेहतर होगा, पानी के पास ज़्यादा करीब ना जाए या पानी में ना खेले। तो ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है ये तट्टीगेरा डैम से जो बोमनाले डैम को आता है वो कैनल है, और ये जो है ये यहाँ से पूरा बोमनाले डैम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाल बिछाए जाते हैं जिस वजह से आप वहाँ पे क्रोकोडाइल देख सकते हैं। वो देखिए वहाँ पे घूम रहा है। यस, देयर इज क्रोकोडाइल। यहाँ पे हमें जाला देख के मारना होगा। ये लगता है यहाँ पे एक बांधा हुआ है, फिर यहाँ पे एक बांधा हुआ है मारने के लिए, तो कोई जगह बची ही नहीं है।
फिर भी हम चलते हैं आगे। देखते हैं कोई फिशिंग लायक जगह हमें मिलती है क्या, नहीं तो वापसी में वहाँ पर जाके कोशिश करेंगे। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे आने का कुछ खास फायदा नहीं हुआ है, हमें इतना डीप फॉरेस्ट पास करके आने के बावजूद मैटर ये हो गया कि जो नदी है जहाँ पे फिशिंग करना था उस नदी में मछुआरों ने इतने जाले डाल दिए हैं कि हमें स्पिनर मारने के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। फिर भी दो तीन जगह पे मैंने कोशिश की थी स्पिनर मारने की, लेकिन हुआ ये कि प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमारा एक स्पिनर जाले में फंस गया और पानी में उतरना नामुमकिन है क्योंकि बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। एक तो जाते ही हमें दर्शन देख चुका था कि मैं यहीं पे हूँ, तो उस वजह से पानी में उतरना हमने सही नहीं समझा। बाकी हमने कोशिश तो की थी। अब अभी हम चलते हैं ये यहाँ से ऊपर से जाऊँ कि नीचे से जाऊँ, चलो नीचे से ही चलते हैं पानी में से मज़ा आता है। एक दो बार चलाएंगे जिससे साफ हो जाएगी गाड़ी। दोस्तों आज हमें यहाँ कोई फिश नहीं मिली है, मगर बिना फिश के फिशिंग का ब्लॉग अधूरा है, इसीलिए मेरे कुछ पहले के पिक्स थे फिश के, उसको मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपने ज़रूर उन्हें देखा होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि अगले ब्लॉग में आपको फिशिंग का जेन्युइन वीडियो मिले, क्योंकि ऐसी जगह पे जब हम जाते हैं तो चांसेस 50-50 के बराबर के होते हैं, और हालांकि दो दिन बारिश हुई थी चांसेस ना के बराबर ही थे, फिर भी हमने सोचा कि चल के देखते हैं, तो हमें कोई कामयाबी नहीं मिली। तो दोस्तों ये था हमारा राइडिंग और फिशिंग का एक कॉम्बो ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। और साथ ही साथ जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, और स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय गाइज।